हरे कृष्णा, राधे राधे जी, श्री श्याम। दोस्तों, अभी मैं करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म का अध्याय 29। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लेते हैं, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा वेणुर नदी के तट पर बनिए और कलह की जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा आपने सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है देवऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ है या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ है। कृपा करके आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवऋषि नारद कहते हैं, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई है और वेणु नाम वाली नदी भगवान शंकर के शरीर से। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व कहने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, फिर भी आपने पूछा है, इसलिए मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। चाक्षुक मन्वंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, क्योंकि वह क्यों नहीं आई है? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो दीक्षा कैसे होगी? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि यहाँ पर समय पर स्वरा नहीं आती हैं तो आप गायत्री को बिठाकर स्त्री मानकर उन दीक्षा का विधान शुरू कर सकते हैं। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती हैं? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर प्रभु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाई ओर बिठाकर दीक्षा का कार्य आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रहे थे, इतने में स्वरा यज्ञ मंडप में आ पहुँची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को बैठा देख कर ईर्ष्या में क्रोध करके कहने लगी कि स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी हो, आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप सब भी जड़ रूप में नदियाँ होंगे। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने ओठ काटने लगी और देवताओं के मना करने पर भी उसने स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं, तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया था, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा तब तो सब देवताओं में खलबली मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम सब जड़ रूप में नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, देवतागण, चूँकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की थी, इसलिए यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप खाली नहीं जाएगा, इसलिए आप सब देवता अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियाँ बनोगे और हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवऋषि नारद ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के ऐसे वचन को सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि सभी अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए और भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणु तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हुईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों से जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत
पर फेंक दिया। फिर उन दोनों लोगों ने अपने अंश से अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उन दोनों स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और सुरा दोनों ही पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणु नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उनका दर्शन करेगा, उसको स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान शंकर की जय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण, गोविंद नारायणे नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आप सभी को आज कार्तिक महात्म्य का अध्याय 29 सुनाया है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग कार्तिक माह का स्नान कर रहे हैं, कार्तिक का व्रत कर रहे हैं। उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।